हाल ही में भारतीय जनता पार्टी में शामिल हुए भोजपुरी फिल्म अभिनेता दिनेश लाल यादव निरहुआ ने अपने लिए प्रशासन से वाई प्लस सुरक्षा की मांग की है। प्रशासन ने उन्हें फिलहाल वाई प्लस सुरक्षा मुहैया करा दी है। गौरतलब है कि निरहुआ ने आजमगढ़ जिला प्रशासन के जरिए प्रमुख सचिव गृह व पुलिस महानिदेशक से सुरक्षा की मांग की थी, जिसे स्वीकार कर लिया गया। सुरक्षा की स्वीकृति के बाद आजमगढ़ में एक बार फिर से निरहुआ को प्रत्याशी बनाए जाने की चर्चा तेज हो गई है। गौरतलब है कि आजमगढ़ जिले से खुद पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव चुनाव लड़ रहे हैं, तो वहीं भाजपा में अभी तक उम्मीदवार को लेकर उठा पटक जारी है। आजमगढ़ से भाजपा का चेहरा कौन होगा, कौन पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव को टक्कर देगा, इसको लेकर चर्चा गर्म है। हाल ही में बीजेपी में शामिल हुए भोजपुरी फिल्म अभिनेता निरहुआ के अलावा पूर्व भाजपा सांसद रमाकांत यादव के नाम की भी चर्चा चल रही है। इसी बीच दिनेश लाल यादव निरहुआ ने प्रशासन से खुद को भाजपा का भावी प्रत्याशी बताकर सुरक्षा की मांग की। वहीं निरहुआ को वाई प्लस श्रेणी की सुरक्षा मिलने के बाद एक बार फिर से आजमगढ़ में निरहुआ के भाजपा प्रत्याशी बनाए जाने की चर्चा तेज हो गई है।